दिल्ली राजनीति रे हलचल। आप विधायक पत्ता मिलूनी, सेमान को मोबाइल अनरिचेबल अच्छी। चिंतारे केजरीवाल सरकार। बीजेपी आड़ को आंगुली निर्देश कला दल। मुख्यमंत्री नेले जरूरी बैठक। कुआड़े गले दिल्ली आप्र विधायक दलर कहवा कथा है 40 विधायक सह एबे जोगाजोग संभव हो पारुनी। सेमान को सह जोगाजोग करबाकू चेष्टा करा जायथिले भी संभव हो पारुनाही। स्थिति को देखि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समस्त विधायक बैठक डकाइछंती। दलर वरिष्ठ नेता कहवा कथा विधायक को लोभनीय अफर देइथिला बीजेपी। तेबे यह पक्षर केते सत्यता रही एपर्यंत स्पष्ट होई नहीं। लोगों से संपर्क करने का प्रयास कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि संपर्क हो जाएगा। हमारे विधायक कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन जिन साथियों को संपर्क किया गया उनमें से एक से बातचीत हुई और उन्होंने बताया कि लगभग 40 विधायकों को तोड़ने की तैयारी चल रही है। और कल जो खुलासा किया गया माननीय सांसद संजय सिंह ने किया, उसमें जो आंकड़े निकल के आए उस हिसाब से अगर देखा जाए तो एक विधायक को खरीदने के लिए भारतीय जनता पार्टी 20 करोड़ रुपए ऑफर कर रही है। अगर 40 विधायक तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, तो 20 को 40 से जो अगर मल्टीप्लाई करें, वो मैथ्स देखें हम, तो लगभग 800 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी ये काला धन ही होगा लेकर खड़ी है विधायकों को, दिल्ली के विधायकों को तोड़ने के लिए। ये समझ में आना चाहिए। दिल्ली की जनता और देश की जनता जानना चाहती है कि 800 करोड़ रुपए किसके हैं। एते संख्यक विधायक मिसिंग रहिबा परे आप सरकार एबे संकटर सम्मुखीन होउछंती। एमिति भी सीबीआई पंझारे रहिथिले मनीष सिसोदिया, तांकु लिकर स्काम रे बांधिबाकू मामला रुजु करिछि सीबीआई। बुधवार आप्र राजनैतिक व्यापार कमिटी बैठक बसतिला। अरविंद केजरीवाल अध्यक्षतार बसिथिबा एई बैठक रे किछि राजनैतिक कार्यक्रम और प्रस्ताव मंजूरी पाइथिला। हेले हठात ता परदिन विधायक निखोज थिबा घटना सारा देश रे आलोचनार विषय होइछि। एठारे प्रश्न उठुछि कहा शरण रे रहिचंती आप विधायक। दल रे सबु किछि ठीक ठाक चलिछि तो। उनको 20-20 करोड़ के ऑफर दिए गए, उनको एक्स्ट्रा ऑफर भी दिया गया कि अगर वो अपने साथ और विधायकों को तोड़ के लेके आते हैं तो हम भी ये जानना चाहते हैं कि क्या और विधायकों से संपर्क हुआ है, क्या उनको कुछ धमकियां दी गई हैं, क्या उनको कुछ ऑफर दिए गए हैं। इसलिए आज विधायकों। ब्यूरो रिपोर्ट, ओडिशा रिपोर्टर।